नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पिछले सप्ताह 5 फरवरी को पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की दुबई में मृत्यु हो गई। परवेज मुशर्रफ सैनिक भी थे और तानाशाह भी, पर मृत्यु के समय राजा हो या सैनिक, तानाशाह हो या डेमोक्रेट, सब केवल मनुष्य रह जाते हैं। ऐसे में एक समय के शक्तिशाली तानाशाह मुशर्रफ भी वही बन गए थे, बीमारियों से भी पीड़ित और लाचारियों से भी। लाचारी इस बात की थी कि पूरी कोशिश के बावजूद जीवन के अंतिम दिनों में देश नसीब नहीं हो सका। एक राष्ट्र के रूप में भारत की नज़र में मुशर्रफ कर्म से न केवल तानाशाह थे, बल्कि सेना की वर्दी में वे आतंकवादी से कम नहीं थे। यह दुनिया जानती है कि कारगिल युद्ध मुशर्रफ द्वारा ही कंसीव और एग्जीक्यूट किया गया था। तत्कालीन भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच शांति के प्रयासों को उन्होंने कैसे नुकसान पहुँचाया, यह आज पूरी दुनिया जानती है। कारगिल युद्ध के समय शायद उनके देशवासियों को मुशर्रफ पाकिस्तान के नायक लगे भी हों, पर उसके दो दशकों बाद उन्हीं लोगों के सामने वे एक विलन के रूप में स्थापित हो चुके थे। यह अब किसी से छिपा नहीं है कि मुशर्रफ ने केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान को किस तरह से ठगा। सार्वजनिक तौर पर सोवियत संघ को हराने के बहाने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सेना ने कैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, अपने देश को डेमोक्रेसी से दूर रखा। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। एशिया की राजनीति को बुरी तरह से यह कहते हुए ठगा कि वे अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने देश की न्याय व्यवस्था को अगवा कर लिया, दुनिया के तमाम देशों में चोरी छिपे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का प्रयास किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी मृत्यु के बाद जब उन्हीं मुशर्रफ का शव पाकिस्तान ले जाकर दफनाने की बात हुई तो इस बात को लेकर अधिकतर पाकिस्तानी सहमत थे कि उन्हें स्टेट फ्यूनरल नहीं मिलना चाहिए। वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने उनकी मौत पर फातिहा पढ़ने से इनकार कर दिया और उनके नमाज जनाजा से सरकार के लोग दूर रहे। सरकार ने राजकीय सम्मान देने से मना कर दिया। फ्यूनरल में बाजवा और सुजा पासा तो पहुँचे, लेकिन सरकार के मंत्री दूर ही रहे। मृत्यु के बाद जिन मुशर्रफ को अपने देश में स्टेट फ्यूनरल ना मिला, उसी मुशर्रफ को याद करते हुए भारतीय नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार और संपादकों ने सोशल मीडिया पर घड़ों आंसू बहाए। शशि थरूर हों, मालिनी पार्थसारथी या फिर कोई छुटभैया पत्रकार, सब ने मुशर्रफ को याद करते हुए उनकी महानता को याद किया और उनके साथ अपने पुराने फोटो शेयर किए। भला यह कैसे ना हो, देश निकाला होने के बाद जिस मुशर्रफ को उनके देश में कोई पूछता तक नहीं था, वही मुशर्रफ भारतवर्ष में मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में प्रमुख मेहमान होते थे और भारतवासियों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट पर लेक्चर देते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके लेक्चर सुनने और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए हमारे बुद्धिजीवी और संपादक कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। पाकिस्तान में मुशर्रफ की इज्जत का यह हाल था कि दिसंबर 2019 में एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें केवल फांसी की ही नहीं बल्कि सार्वजनिक फांसी की सजा सुनाई थी। यहाँ सवाल यह उठता है कि जिस पाकिस्तानी तानाशाह के खिलाफ उसी के देश के लोग खड़े हों, उसके साथ भारत का कोई व्यक्ति कैसे खड़ा हो सकता है? उस भारत का जिसके सैनिकों की मृत्यु का कारण न केवल मुशर्रफ बना बल्कि जिसने आर्मी चीफ के पद पर रहते हुए भारत में आतंकवादी घटनाओं की हिमायत की, यह ऐसा सवाल है जिस पर ऐसे भारतीय बुद्धिजीवियों, नेताओं और पत्रकारों को विचार करने की ज़रूरत है कि जो भारत के खिलाफ उसके कर्मों को भुलाकर सोशल मीडिया पर उसे महान बताने में नहीं हिचकते।